प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं जिसका नाम है हमारा इस्लाम। जी हाँ, हमारा इस्लाम प्रोग्राम का नाम है। सबसे पहले हम दुरूद पाक मिलके पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और इसके बाद दुरूद पाक की फजीलत को इस प्यारे से प्रोग्राम में शामिल करते हैं और इस प्यारे से प्रोग्राम को और प्यारा बनाते हैं और इसके बाद कलाम सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। इसके बाद मजे मजे की एक्टिविटीज़ होती हैं, आसान सवाल भी होते हैं, कभी एक्टिविटी टाइम होता है तो कभी हिसाब किताब, कभी फाइंड द मिसिंग लेटर तो कभी वो कौन है क्या है, और दुआएं भी सुनते हैं और कैलेंडर एक्टिविटी भी होती है और अच्छी बातें भी सुनते हैं बच्चों से। जी हाँ, आसान सवाल भी होते हैं तो प्यार बॉक्स एक्टिविटी भी होती है, एक्टिविटी टाइम भी होता है। जी प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलिगी صحبی و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और किरात ओहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाह Allah, 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 Allah,
मत में यौन की वो बकरों में मुसलमानों अली इस वक्त रसूल अकरम के इस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा माशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको और हम सबको बार बार मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए आमीन। प्यार बच्चों नारे का जवाब देंगे चले मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा आमीना का लाडला शाह हर दो सरा ताजीदार अंबिया है हबीब किबरिया सबसे आखरी नबी है शफी उल्वरा सबसे आखरी नबी आसियों का आसरा सबसे आखरी नबी ऐतिकाद फातिमा सबसे आखरी नबी है यकीन आयशा सबसे आखरी नबी अकीदा सब सहाबा का सबसे आखरी नबी अकीदा अहल बैत का सबसे आखरी नबी अकीदा गोश पाक का सबसे आखरी नबी बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखरी नबी है अकीदा ए रजा सबसे आखरी नबी
नारागे अत्तार का सबसे आखरी नबी सबसे आखरी नबी। जी हाँ प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो बड़ी आसान है और उसका नाम है आसान। हमारा इस्लाम जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। तो टीम ए से भी सवालात होंगे, टीम बी से भी सवालात होंगे और होंगे बड़े ही आसान। ठीक है, टीम ए रेडी है जी, टीम बी रेडी है जी। जी टीम ए से पहला सवाल है, बारहवीं शरीफ से किस नबी सलाम को निस्बत हासिल है? हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें बराबर में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुने या पढ़ें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए जी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी बताएंगे। चलें बताएं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले आप भी बता दें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये था, बारहवीं शरीफ से किस नबी सलाम को नस्बत है और जवाब है हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन सब का जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। टीम बी सवाल है, सलाम में लफ्ज, सलाम में एक लफ्ज वबरकातु आता है, आप इसका मतलब बताएं। ऑप्शंस, और अल्लाह की तरफ से बरकत नाजिल हो, और अल्लाह की तरफ से नेमत नाजिल हो, और अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल हो। जी और अल्लाह की तरफ से बरकत नाजिल हो। देख लें जी, मुश्किल तो नहीं है, बजायर तो वबरकातु बहुत छोटा सा लफ्ज है, इतना बड़ा इसका मायना है, देख ले। चले ना, अल्लाह की तरफ से बरकत नाजिल हो, बरकत नाजिल हो, बरकत नाजिल हो जी बराबर में। प्यारे बच्चों, हमें पैर नहीं हिलाने चाहिए, हमें पाँव नहीं हिलाने चाहिए। अल्लाह की तरफ से बरकत नाजिल हो, देख ले जी। प्यारे बच्चों, सवाल ये है कि सलाम एक लफ्ज वबरकातु है, इसका मतलब बताएं। तो इसका क्या मतलब है, और अल्लाह की तरफ से बरकत हो, इनका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। टीम है, सवाल है, अल्लाह पाक की उस मखलूक का नाम बताएं जो घास पर नमाज पढ़ती है। इन्हें मांगते हैं, ऑप्शन तो नहीं मांगेंगे? नहीं, चले बता ऑप्शन। मैंने कहा ऑप्शन नहीं मांगेंगे, आपने कहा नहीं, फिर आप कह रहे ऑप्शन। जिन्नात, जिन्नात। चलो ऑप्शन दे देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन तो होते हैं इसके अंदर, जिन्नात, फरिश्ते या दोनों? जिन्नात, जिन्नात। चले भाईजान को भी दे दे जिन्होंने आपको बताया, जिन्नात, जिन्नात जी बराबर में, जिन्नात, जिन्नात जी। हाँ प्यारे बच्चों, आज बहुत से लोगों को पता चला होगा कि जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं, घास पर नमाज पढ़ते हैं, इनका जवाब सुभान अल्लाह। टीम बी सवाल है जी, माइक देना है जी, सवाल क्या है मेरा, सवाल क्या है? मैंने कहा सवाल है, आपने हाथ खड़ा कर दिया, अब आप बताए ना सवाल क्या है मेरा। चलो सवाल बताता हूँ, जवाब आप बताइएगा, ठीक है, बगैर ऑप्शन के। ठीक है, सवाल है, वो कौन सा परिंदा है जो फरिश्ते को देखकर आवाज निकालता है? वो कौन सा परिंदा है जो फरिश्ते को देखकर आवाज निकालता है? जी भाई, भाईजान आपको पता है, कान में बता दे जल्दी से, कान में बता दे। मुर्गा, मुर्गा, देख ले। चले भाईजान को माइक दें, मुर्गा, मुर्ग। चले बराबर में, मुर्ग। जी हाँ प्यारे बच्चों, सवाल है, वो कौन सा परिंदा है जो फरिश्ते को देखकर आवाज निकालता है, और जवाब है मुर्ख, और इनका जवाब दुरुस्त है। टीम है, सवाल है, नमाज की हर रकात में कितने सजदे फर्ज हैं बताएं? दो मरतबा, दो मरतबा, यानी दो सजदे फर्ज जी। अच्छा,
वो तो आसान सवाल नहीं है, चले आप भी बताएं। दो सजदे फर्ज हैं। दो सजदे फर्ज हैं किस में? नमाज में। नमाज में दो सजदे फर्ज हैं? नहीं नहीं बताइएगा। रकात में। एक रकात में। एक रकात में दो सजदे फर्ज हैं, दो रकात में कितने हो गए? चार। चार हो गए, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी अगला सवाल, उस आसमानी किताब का नाम बताएं जिसे जुजदान यानी एक खास कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। इतना आसान सवाल है, आप बताएं। आसान सवाल है क्योंकि सेगमेंट का नाम भी तो आसान सवाल है ना। कुरान शरीफ। कुरान शरीफ जुजदान में रखा जाता है जी। देख ले, आप मदरसतुल मदीना में बैग लेकर नहीं जाते? बैग में नहीं रखते आप? जी हाँ, बैग में रखते हैं, लेकिन जो भी जुजदान में होता है ना जी। कुरान पाक। कुरान पाक देख लें, से पीछे मांग दे। कुरान पाक। कुरान पाक जी हाँ प्यारे बच्चों, जुजदान कहते हैं उस खास कपड़े को जिसमें कुरान पाक रखा जाता है। जुजदान किसे कहते हैं? वो एक खास कपड़ा जिसमें कुरान पाक रखा जाता है। और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। टीम है, सवाल है आपसे, वुजू करने से पहले तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना क्या है? सबको मालूम नहीं है? सबको मालूम है? चले फिर सारे मिलके बता दें। सुन्नत है। सुन्नत है। देखिए ऑप्शंस हैं, सुन्नत, वाजिब और फर्ज। सुन्नत। अच्छा, तो वुजू के फिर कितने फराइज हैं? चार फराइज हैं जी, बताएं कौन कौन से। हाथ धोना जी। चले पीछे माइक दे। पूरा चेहरा धोना। पूरा चेहरा धोना। अच्छा, कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। ठीक है। चौथाई सर का मसा करना। अच्छा, टखनों समेत दोनों पांव धोना। टखनों समेत दोनों पांव धोना, तो बिस्मिल्लाह शरीफ फर्ज नहीं है? नहीं है, फिर क्या है? वाजिब है ना? सुन्नत। वाजिब भी नहीं है, सुन्नत है। जी हाँ प्यारे बच्चों, वुजू में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। इनका जवाब जी हाँ प्यारे बच्चों, वुजू से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम भी सवाल है, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो कौन सा कलाम है जिसमें चार जबानें शामिल हैं? ऑप्शंस, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। दूसरा ऑप्शन, लम याति नज़ीरु का फी नज़री। तीसरा ऑप्शन, सबसे ओला वो आला हमारा नबी जी। लम याति को। लम याति नज़ीर जी। देख लें जी। लम याति नज़ीरु का फी नज़री। अच्छा जी जी, शेर यही है, यही है, देख लें। इन्हें माइक दे। लम याति नज़ीर। लम याति नज़ीरु का फी नज़री, हसन भाई यही शेर है ना? आपका जवाब दुरुस्त है। हाँ प्यारे बच्चों, टीम ए के जवाब दुरुस्त हुए, टीम बी के भी जवाब दुरुस्त है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है, जिसका नाम है हिसाब किताब। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी पहला सवाल है, 7-2-4 कितने होते हैं? हम पूछते हैं टीम ए के मेंबर से। आप आएंगे, आपको पिन लग जाएगी ना, आप छोटे हैं, आ जाएं। 7-2-4 कितने होते हैं ये हमारे भाई बताएंगे। 7-2-4 कितने होते हैं? माइक दे, जल्दी से माइक दे। एक। एट या एक? एक। एक या एट? एक। वन। देख ले, दोबारा काउंट कर ले, वन ही होता है ना? 7-2-4 वन होता है जी। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। इस्लामी नस्बत के लिए आप भी किसी को बुला लें जल्दी से। आ जाए अफान भाई, भले माइक वहीं छोड़ दें,
क्योंकि माइक टिम्बी के पास है। प्यारे बच्चों बातें नहीं करनी, माइक छीनना भी नहीं है। एक से इस्लाम में नस्बत बतानी है सैन भाई ने, बता देंगे क्या कहते हैं, बता देंगे। अच्छा आसान है, यानी आपसे पूछते आप बता देते। चलो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपसे ही पूछेंगे इंशाल्लाह। एक से इस्लाम में नस्बत तो बहुत सारी आती है, बहुत सारी आती है। चार तो भी मेरे दिमाग में, बहुत सारी आती। और आज हमने एक दुरूद पाक भी, एक दुरूद पाक की फजीलत भी सुनी थी ना, जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके लिए एक किरात अजल लिखा जाता है, और एक किरात ओहद पहाड़ जितना है ना जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली आसमानी किताब देख लें, पक्की बात है जी? जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। कोई बताएगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी? जी माइक दें। तौरात। तौरात जी हाँ, माशाल्लाह टीम भी आ जाए, आप आ जाए। वन प्लस वन प्लस टू कितने होते हैं जल्दी से बताएं। वन प्लस टू कितने होते हैं? नहीं नहीं आप नहीं बताएं, हमारे भाई बताएं जी कितने होते हैं? फोर। पक्की बात है, देख लें। वन प्लस वन कितने होते हैं? फोर। वन प्लस वन टू होते हैं। वन प्लस वन कितने होते हैं? टू। और टू प्लस टू कितने होते हैं? फोर। इनका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह जी। इस्लाम नस्बत के लिए किसी को ये जी चले। नमाज ईशा में नफिल रकाते माइक दे। चार होती है, कौन कौन सी? दो रकात नफिल और दो रकात फर्ज। नहीं ना, ईशा में फर्ज दो रकात कहाँ होती है? देखिए चार रकात सुन्नत होती है, फिर चार रकात फर्ज, फिर दो रकात सुन्नत, फिर दो रकात नफिल, फिर तीन रकात वितर, और फिर दो रकात नफिल। इनका जवाब दुरुस्त है। जी हसन भाई आप भी क्यों बता रहे थे? जी चार खलीफा। चार खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाह ताला यार भी कहा जाता है। जिन्हें चार यार भी कहा जाता है। हर सहाबी ए नबी, सब सहाबी आत भी, हजरत सिद्दीक भी, और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली है, हसन हुसैन भी, वालिदे ने नबी, हर जो जाए नमी, जन्नती जन्नती है, मुआविया भी, जन्नती और अबू सुफियान भी, जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी, जन्नती 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 माशाल्लाह जी। टीम है आ जाए, वो जीरो प्लस वन कितने होते हैं? जीरो प्लस वन कितने होते हैं? जीरो प्लस वन कितने होते हैं? ये इशारों में कुछ हो तो नहीं रहा, नहीं हो रहा। अच्छा जी इस तरफ अपना रुख रखिएगा, कितने होते हैं? टू। माइक दें माइक। टू। पक्की बात है जी? जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है जी। इस्लामी नस्बत के लिए किसी को बुलाएं? नहीं ये नहीं, आइए हो चुके हैं, इनके अलावा नहीं हुए, चले आ जा। टू से इस्लामी नस्बत बतानी है। प्यारे बच्चों हमें सही तरीके से बैठना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ बैठना चाहिए, पाँव को नहीं हिलाना चाहिए, और मुंह में उंगली भी नहीं होनी चाहिए, नाखून भी नहीं खाने चाहिए जी। माइक दें। सूर्य इख्लास में अहद दो दफा है।
देख लें लफ्ज अहद का जिक्र। जी जी, थोड़ा इधर आए आप और अपना चेहरा कैमरे की तरफ करें। सूरह इखलास में अहद दो दफ़ा है। लफ्ज अहद जी, कुल हुवल्लाहु अहद। माशाल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, इन भी आ जाए। 6 - 1 - 3 कितने होते हैं? सलाम नस्बत देख लें। चलें ठीक है जी। 2। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। इस्लाम नस्बत के लिए आ जाएं। जी तशरीफ रखें। 2 से इस्लाम नस्बत तो बहुत सारी आती हैं। हसनैन भाई क्या कहते हैं आप, आती है कारी साहब 2 से इस्लाम नस्बत? यहाँ पर किस किस को मालूम है? माशाल्लाह, आपको मालूम है? ऑप्शन तो नहीं मांगेंगे, ऑप्शन तो नहीं मांगेंगे ना? देख ले। चलें ठीक है। 2 से इस्लाम नस्बत? माइक दें। रहमत वाले महीनों में जाल से शुरू होने वाले महीने, हुरमत वाले महीनों में से, हुरमत वाले महीनों में लफ जाल से शुरू होने वाले महीने। हुरमत वाले महीने कितने हैं? 4 हुरमत वाले महीने कौन से? 4 हुरमत वाले महीने कितने हैं? 4 और कौन कौन से आए? मैं बताता हूँ, मुहर्रम शरीफ, रजब शरीफ और जाल से शुरू होने वाले 2, ज़ुल्कादा शरीफ और ज़ुल्हज्जा शरीफ। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, तशरीफ रखे। माशा अल्लाह, टीम ए ने एक भी गलती नहीं की, टीम बी ने भी एक भी गलती नहीं की। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वो कौन है वो क्या है? हमारा इस्लाम जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है वो कौन है वो क्या है। चले देखते हैं वो है कौन। ठीक है, फिर बताएंगे वो क्या है। टीम के लिए पिक्चर्स दिखा जी। मक्का शरीफ, माशाल्लाह, मदीना शरीफ, बगदाद शरीफ। सवाल है, जबल अबू कुबैस किस शहर में है? जी मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में? माइक, जबल अबू कुबैस किस शहर में है? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ, पीछे माइक दे। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ, चले देखते हैं स्क्रीन क्या बताती है। जी हाँ, मक्का शरीफ में है। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, टीम बी के लिए पिक्चर्स दिखाएं। बिरयानी, पुलाव, खिचड़ा, ये दाल चावल किसको खाने? अच्छा, सबको ही खाने या नहीं खाने? लेकिन सवाल ये है, 10 मुहर्रम शरीफ की नियाज में स्पेशली क्या पकाया जाता है? खिचड़ा जी। ये भी 10 मुहर्रम गुजरा भी है तो खिचड़ा खाया भी होगा जी। वैसे इन्हें माइक दें जी, आप बताएं। खिचड़ा। इन्हें माइक दें। खिचड़ा कैसा होता है? अच्छा होता है खिचड़ा? अच्छा होता है? खाया है आपने? आपने खाया है? अरे माइक में बताया ना जी। खाया आपने? कैसा होता है? मज़ेदार जी। घर से मज़ेदार होता है? अच्छा जी, बराबर में माइक दे जी। खिचड़ा। यार बच्चों, खिचड़ा तो बड़ा मज़ेदार होता है, लेकिन देखते हैं सवाल का जवाब ये है या नहीं। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, खिचड़े के ऊपर नींबू भी है तो धनिया भी है तो कोई प्याज डालता है, कोई क्या डालता है, माशाल्लाह जी। माइक में बात है, न्याज की बात तो अलग ही होती है। जी हाँ, न्याज की बात तो अलग ही होती है जी। टीम ए के लिए पिक्चर्स दिखाए। हदाई की बख्शिश, वसाइल बख्शिश, सामान बख्शिश। सवाल है, इनमें से आला हजरत रहमतुल्लाह तआला की लिखी हुई नात या किताब कौन सी है? जी आदल बख्शत। हदाई की बख्शिश जी। अच्छा, पीछे माइक। हदाई की बख्शिश। हदाई की बख्शिश जी।
हदाई के बख्शिश। जी हाँ प्यारे बच्चों, हदाई के बख्शिश इतना प्यारा नातिया किताब है, इसे जो पढ़ता है कितने प्यारे कलाम है ना जी। हदाई के बख्शिश, हदाई के बख्शिश है जी हाँ। इनका जवाब दुरुस्त है। टीम बी के लिए पिक्चर्स दिखाएं। मस्जिद हराम, मस्जिद किबलतेन, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मस्जिद जुमा। सवाल है इनमें से किस मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा अदा फरमाया था। इनमें से किस मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा अदा फरमाया था जी। माइक बनना क्या करें ठीक है। मस्जिद जुमा, मस्जिद जुमा बराबर में माइक दें। मस्जिद जुमा, मस्जिद जुमा जी बराबर में माइक दें। मस्जिद जुमा जी स्क्रीन जी हाँ, मस्जिद जुमा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहला जुमा यहीं अदा फरमाया था और ये मस्जिद का नाम क्या पड़ गया, मस्जिद जुमा, मस्जिद जुमा नाम रख दिया। इनका जवाब दुरुस्त है जी। कारी साहब से भी सवाल करते हैं और नाथ खान भाई से भी सवाल करते हैं। अली साहब पिक्चर्स दिखा। काबा शरीफ, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेतुल मुकद्दस। सवाल है जिसने आधे सवाल में भी कह दिया मदीना कह दिया या अपना हाथ उठा दिया तो आपसे सवाल भी जी आप दोनों से ठीक है। सवाल है अभी जी, जी अभी मुझे हजरे अस्वद जी मक्का मुकर्रम। सवाल तो पूरा करें ना। हजरे अस्वद किस जगह, किस जगह है? देख लें अगर ये नहीं हुआ तो। किस जगह है, अगर आप होते तो क्या करते? मक्का मुकर्रम। नहीं सवाल पूरा करें पहले। हजरे अस्वद किस जगह है, किस जगह है? आप भी जगह कहना सवाल में कर लेता हूँ। हजरे अस्वद, अभी हजरे अस्वद किस मुकद्दस इमारत में फिक्स है? मक्का मुकर्रम। दोबारा सवाल दोहराता हूँ, अभी हजरे अस्वद किस मुकद्दस इमारत में फिक्स है? मक्का मुकर्रम। काबा शरीफ में, मक्का मुकर्रम जी जी काबा शरीफ। अब तो सवाल तो आपने मुकम्मल किया नहीं था तो आपको मार्क्स मिलने चाहिए जी, आपकी मर्जी। चलें आप दोनों का जवाब मान लेते हैं, दोनों को टीम को एक एक नंबर दे देते हैं जी। स्क्रीन भी बता दें। काबा शरीफ, माशाल्लाह कारी साहब और नाथ खान का जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है, काबा शरीफ जी। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। हमारा इस्लाम प्यारे बच्चों एक्टिविटी टाइम है सेगमेंट का नाम और है भी ये एक्टिविटी ठीक है। टीम है से पहले आप आएंगे देख लें, ऑप्शन तो नहीं मांगेंगे या भाईजान से मदद तो नहीं मांगेंगे नहीं। देख लें चले फिर आ जाए। सवाल है सुबह शाम कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल होगी जी। पॉइंट्स हैं आपके पास? नहीं नहीं ये तो आप पूछ लें। चले भाईजान बता दें, बल्कि आप इनके साथ चले जाएं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हसन भाई क्या कहते हैं छोटे बच्चे को इस तरह करना चाहिए ना जी, हौसला बढ़ता है जी। हाँ हौसला बढ़ता है। चले जब तक ये ढूंढ रहे हैं हम टीम बी से भी सवाल कर लेते हैं। फजर की अजान में कितनी बार अस्सलातु खैरु मिनन नौम कहा जाता है, ये क्या होता है? आप आएंगे भाईजान की मदद तो नहीं लेंगे या ऑप्शन तो नहीं मांगेंगे? देख लें चले आ जाए आज। आप टेबल के पीछे चले जाइएगा ठीक है। आप ढूंढ लेंगे या भाईजान की मदद चाहेंगे? भाईजान कह रहे तो फिर आपने हाथ क्यों खड़ा किया? चलिए ऐसा करें भाईजान आप भी चले जाएं इनके साथ। टेन
नाइन सेवन सिक्स ऐसा नहीं हो सकता फाइव फोर थ्री टू वन। सवाल तो लिखा हुआ है इसके अंदर जी, बस टाइम खत्म हो चुका है, जो हाथ में वही डाल दें। अब डब्बा आप लेके बैठ जाए, बाद में बुलाते हैं आपको, ठीक है? आपका हो गया, दो डाल दिए, चले एक निकाल लें आप। टीम ए से दूसरा सवाल करते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम हज़रत इदरीस अलैहि सलाम के पास कितनी बार आए? आ जाए जी, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। टीम बी बॉक्स लेकर अपनी जगह पर। प्यारे बच्चों झगड़ना थोड़ी होता है, आराम से लेना होता है। जी सवाल है टीम बी से, कुरान पाक की कितनी सूरतों को मुअव्वज़तैन कहते हैं? किसको बुलाऊं? आ जाए आप, आ जाए। कुरान पाक की कितनी सूरतों को मुअव्वज़तैन कहते हैं? इतना भारी हो गया बॉक्स, उठा नहीं जा रहा, भारी हो गया, सो भारी हो गया, सो एक कॉइन से भारी हो जाता है। जी आप तशरीफ रखें। जी टीम ए के पहले मेंबर आ जाएं। जी सुबह शाम कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ात हासिल होगी? जी आपने कॉइन डाला इसके अंदर, सही होगा जवाब? आपने तो डाला कॉइन वो है टेन दस, पक्की बात देख लें। जी इनका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह, उसी की जगह पर रखकर आ जाए, मैंने तो बुलाया नहीं आपको, चले आ गए तो आ जाए, माशाल्लाह आ जाए। फजर की अजान में कितनी बार अस्सलातु खैरु मिनन नौम कहा जाता है? कितनी बार कहा जाता है? एक बार, देख लें, ये एक बार कहा जाता है, अस्सलातु खैरु मिनन नौम, अस्सलातु खैरु मिनन नौम, दो मरतबा हो गया ना आपसे गलती हो गई है। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो उसे रख तो दे, नाराज क्यों हो रहे हैं आप? आपके भाई ने डाला या आपने डाला कोई बात नहीं, दोनों पार्टनर थे ना, आप कहते थे ये नहीं डालें। जी आ जाए। जी सवाल, हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम हज़रत इदरीस अलैहि सलाम के पास कितनी बार आए हैं? चार बार। अच्छा आप ये कह रहे हैं, देखते हैं आपने कॉइन क्या डाला। जी हाँ चार बार, इनका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी क्या लगता है जवाब दुरुस्त होगा या गलत होगा? सही है, देख लें। कुरान पाक की कितनी सूरतों को मुअव्वज़तैन कहते हैं? कितनी सूरतों को कहते हैं? दो सूरतों को। अच्छा जी हाँ प्यारे बच्चों, दो सूरतों को कहते हैं, सूरह फलक और सूरह नास। आपका जवाब दुरुस्त है, ये बॉक्स आपको दिया जाता है वहाँ रखने के लिए, माशाल्लाह। टीम ऐसे एक भी गलती नहीं हुई, टीम बी से एक गलती हो गई है। चले बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बातें। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी टीम ए अच्छी बातें बता रहे हैं। जी ये लो बताएं। लड़ाई करना शैतान का काम है। लड़ाई करना शैतान का काम है, ठीक है प्यारे बच्चे, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जी हमें डिसिप्लिन से बैठना चाहिए, हमें डिसिप्लिन के साथ बैठना चाहिए, माशाल्लाह। जी बताएं। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। अच्छा माशाल्लाह, दोबारा। लेकिन हमें पैर भी नहीं यानी पाँव भी नहीं हिलाने चाहिए, ठीक है? हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। जी ने माइक दें। सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। जी हाँ, ये हदीस पाक के साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त
इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपने अगले एपिसोड में। जब तक आप अपना जरूर ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा, हमारा, हमारा इस्लाम, हमारा, हमारा, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।